नमस्ते, मैं अर्चना त्रिपाठी। आज का वीडियो बच्चों के हेल्दी फूड ओट से रिलेटेड है। आज मैं आपको ओट की 3 अलग अलग दलिया रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई डालेंगे। जैसे जीरा राई इसमें चटकने लगे, उसके बाद इसमें कटी हुई थोड़ी सी लहसुन, मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अदरक। अब फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज, इसको हल्का सा हम चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें हम कटी हुई गाजर, कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च और मटर सभी को डालकर एक साथ मिक्स करेंगे। हल्का सा सब्जियों के पकने के बाद अब हम इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। अब सभी सब्जियों को एक साथ अच्छे से पका लेना है। टमाटर हल्का सा पक गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक सभी को आपस में मिक्स करके इसे हम लटली केवल हल्का सा ढक कर पकाएंगे। सब्जियां पक गई हैं, अब हम इसमें 1 कप प्लेन ओट मिला देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें उसी कप से 3 कप पानी डालेंगे। 1 कप, 2 और 3 कप पानी डालेंगे। ओट को पकने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा नमक और मिला देंगे और इसे हम अब मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना जिससे ओट अच्छे से पके। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने के बाद ओट बनकर रेडी है। ओट दलिया यदि आपको गाढ़ी लगे तो आप गर्म पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। ओट की मीठी दलिया बनाने के लिए 2 चम्मच ओट लेंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे ब्राउन नहीं करना है। एक पतीले में 2.5 कप दूध डालेंगे। और फ्लेम ऑन कर देंगे और इधर ये ओट ये रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम इसी दूध में मिला देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें धीमी आंच में पकाना है। जब तक ये धीमी आंच में पक रहा है तब तक एक सेब को छीलकर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब मिक्स कर देंगे। आप सेब की जगह चाहें तो केला भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए धीमी आंच में पकाएंगे। धीमी आंच में चलाते हुए ओट में फिर से उबाल आ गया है। इसी समय हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे और इसे धीमी आंच में फिर से धीरे धीरे से पकाते रहेंगे। ये को बीच बीच में ऐसे चलाते रहें और जैसे ही उबलते उबलते ये गाढ़ा हो जाए फिर फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए
हल्का ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। ओट की प्लेन दलिया बनाने के लिए आधा कप ओट और इसमें 2 कप पानी, आधा कप ओट, 2 कप पानी और इसमें थोड़ा सा नमक। मिलाकर इसे हम लो फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। ओट ये पक गया है और गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए ये 3 प्रकार की ओट दलिया रेडी है। जिन बच्चों को मीठा पसंद है उनके लिए मीठी दलिया विथ मिल्क सुगर एंड फ्रूट, और जिन बच्चों को नमकीन पसंद है उनके लिए सॉल्ट दलिया विथ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, और तीसरा ऑप्शन है प्लेन दलिया विथ वाटर एंड सॉल्ट ओनली। आपके बच्चे को इनमें से जो भी पसंद आए आप उसे खिला सकते हैं। इसे 2 साल से ऊपर के सभी बच्चे आसानी से खा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप इस दलिये को ग्राइंडर में पीसकर स्मूथ पेस्ट बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों के हेल्दी फूड से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।